अब मतलब बताना चाहूंगा कि अभी तक का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया अर्निंग आप सभी लोगों के लिए रखा गया है। ओके, मेरे को एक चीज बोलते हुए बार 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 मेरे को ये लगता है कि क्या सच में हेलोइक्स इकोसिस्टम में लीडर है या नहीं? क्या हेलोइक्स इकोसिस्टम में या फिर हमारे प्लेटफॉर्म में लीडर्स है या नहीं? या फिर मुझे कभी कभी लगता है कि क्या हेलोइक्स, मुझे एक चीज बताइए, कितने लीडर्स हैं जो हमारे इस अपॉर्चुनिटी को एज अ पार्ट टाइम करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। पार्ट टाइम मतलब मेरा मैं कुछ और काम करता हूँ, मेरा और कुछ काम धंधा है, मेरा और कुछ बिजनेस है, नौकरी है, और उसके साथ मैं पार्ट टाइम हेलोइक्स को कर रहा हूँ। ओके, मतलब ऐसे ही कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इनकम आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आए तो चलेगा, नहीं आए तो फिर भी चलेगा। ओके, या फिर हम अभी अभी स्टार्ट किया है तो जो हमारा इससे पहले का नौकरी या फिर बिजनेस तो छोड़ नहीं सकते हैं, बंद नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं, जब हमारा सैलरी, जहां से हम नौकरी करके सैलरी ले रहे हैं या फिर जहां पे बिजनेस कर रहे हैं, जब वो अर्निंग हमारा रिच हो जाएगा हेलोएक्स इकोसिस्टम से, तब हम यहाँ पे फुल टाइम करना शुरुआत करेंगे। नाउ आई वॉन्ट टू आस्क टू एवरी वन, यहाँ पे कितने हमारे लीडर्स हैं जो फुल टाइम काम करते हैं? किसी को सोते हुए मैं देख रहा हूं, किसी को इधर देखता हूं, किसी को उधर देखता हूं। ओके, अभी एक काम करिए, ईमानदारी से जब मीटिंग होता है, जब कोई अनाउंसमेंट होता है, आप फुल टाइम काम करते हैं वीडियो ऑन करके एक जगह में 1 घंटा लेके बैठने में क्या क्या तकलीफ है, आप चैट बॉक्स में सबसे पहले वो लिखिए, उसके बाद मैं टॉपिक में आऊंगा कि सर मैं फुल टाइमर हूं, है नहीं? बोलते हुए मुझे खराब लगता है, लेकिन बात ये सच है कि जो 10,000 सैलरी का सिक्योरिटी गार्ड, जो 10,000 सैलरी का सिक्योरिटी गार्ड 10,000 सैलरी के लिए भी नौकरी करते हैं ना, वो भी अपना काम ईमानदारी से करते हैं, वो भी अपना काम ईमानदारी से करते हैं। जो आपका एक प्राइवेट कंपनी में है या फिर कोई भी शॉपिंग मॉल में जो कपड़ा दिखाने का काम करता है और 8,000 सैलरी लेते हैं, वो भी अपना काम ईमानदारी से करते हैं। मैं हमेशा एक चीज बोलते आया हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे टीम वर्क होता है, जहां पे पैसिव इनकम किया जाता है, वहां पे क्यों सबके लिए मौका रहते हुए भी सब लोग सफलता को हासिल नहीं कर पाते? क्यों सभी लोग सफलता को छू नहीं पाते? व्हाट इज द रीजन? अगर मैं बताऊं तो दुनिया में सभी सभी लोग डॉक्टर बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। सभी पुलिस बन सकते हैं क्या? नहीं, उसके लिए पर्टिकुलरली हाइट चाहिए, स्टैमिना चाहिए, बहुत सारा चीजों की जरूरत होती है। सभी लोग लॉयर नहीं बनते, सभी लोग डॉक्टर नहीं बनते, सभी लोग टीचर नहीं बनते, सभी लोग इंजीनियर नहीं बनते, सभी लोग बिजनेसमैन नहीं बनते, लेकिन दुनिया में एक लौती ऐसी अपॉर्चुनिटी, नेटवर्क मार्केटिंग और टीम वर्क, जहां पे सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है, फिर भी सभी लोग सफलता को हासिल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं है, यहाँ पे कैजुअली सभी लोग काम करते हैं, इसलिए ऊपर वाला भी चालाक है, ऊपर वाला भी हम सबके लिए एक एक रिजल्ट रखा है कि तुम जितना मेहनत करोगे, जितनी ईमानदारी के साथ काम करोगे और जितना प्रोफेशनली काम करोगे, तुम्हें उतना ही सफलता मिलेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। इसलिए हमें देखने को मिलता है कि 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग में रहने के बाद भी, 5 साल टीम वर्क करने के बाद भी, बहुत सारे लोग 50,000 भी हर महीना में अर्निंग में पहुंचते नहीं है, और 6 महीना में लोग 6 लाख हर महीना में कमाते हैं। बाकी आपका मर्जी, आपको हेलोएक्स में कैसे काम करना, राइट? सो अभी मैं टू द पॉइंट में आ रहा हूँ, राइट? टू द पॉइंट का अगर बात करूं, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि भाई हमारा टीम यहाँ पे प्रोफेशनली काम नहीं कर सकते, सभी लोग प्रोफेशनली नहीं मतलब आ सकते, लेकिन इफ यू आर अ लीडर, सो आपको यहाँ पे प्रोफेशनली बैठना चाहिए, समझना चाहिए, और चीजों को आपको समझाना भी पड़ेगा, राइट? क्योंकि सक्सेस अगर इतना इजी होता तो सभी को मिल जाता, जितना हम सोचते हैं कि अरे भाई ऐसे ही बैठ जाएंगे, ऐसे ही ले लेंगे, ऐसे ही सुन लेंगे, ऐसे ही समझ जाएंगे और ऐसे ही समझा देंगे। ऐसा अगर होता तो आप भी 10 लाख हर महीना में कमा लेते,
मैं भी 50 लाख हर महीने में कमा लेता और कहीं और भी कहीं से 1 करोड़ हर महीने में कमा लेता। सभी लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि सब लोग डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करते। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। सो जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं आज की हमारा अपॉर्चुनिटी क्या है, राइट? आज की हमारा नया अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या है, लेकिन उससे पहले कुछ बदलाव जो कि आने वाला है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला है। पहला चीज है, आप सभी लोगों को बताएं, जो HXC को आप कन्वर्ट करते हैं डेली, वो आपके कहाँ पे आते हैं? स्पॉट वॉलेट में, राइट? वो आपके स्पॉट वॉलेट में आते हैं, पर आज से वो अभी HXC जो भी आप कन्वर्ट करेंगे हेक्स कॉइन के अंदर, राइट, HXC जो भी आप कन्वर्ट करेंगे हेक्स कॉइन के अंदर, वो कॉइन आपका स्पॉट वॉलेट में नहीं फंडिंग वॉलेट में चला जाएगा। दैट इज द फर्स्ट अपडेट। अब तक आप जो भी है मतलब HXC कॉइन से मिला हुआ USDT को आप कन्वर्ट कर रहे थे हेक्स कॉइन में, वो आपके स्पॉट वॉलेट में आ रहा था, लेकिन वो आज से, यानी आज मतलब आज से वो आपका जो भी कन्वर्ट करेंगे वो फंडिंग वॉलेट में चला जाएगा। पहला अपडेट। दूसरा अपडेट, जो भी अभी तक लोगों ने कॉइन परचेस किया और कॉइन परचेस करने के साथ साथ जो भी हमारे लीडर्स लोगों ने अभी तक स्टेकिंग नहीं किया है, क्या सोच के कि मैं स्टेक नहीं करूंगा, मेरा मर्जी, हो सकता है स्टेकिंग में किसी को लग रहा है कम प्रॉफिट, या फिर अपना अपना चॉइस है, लेकिन आपका कॉइन जो भी आपने परचेस करके रखा है स्पॉट वॉलेट में, या फिर जो भी आपने कन्वर्ट करके रखा है, वो कॉइन एक तारीख पूरा के पूरा आपका फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। स्पॉट वॉलेट में जितने भी कॉइन है वो सारे के सारे कॉइन फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपका कोई भी कॉइन एक तारीख से स्पॉट वॉलेट में नहीं रहेगा। दूसरा अपडेट, और एक तारीख से फंडिंग वॉलेट के अंदर जो 50% अपग्रेडेशन के लिए जो काटिंग होता था वो क्लोज हो जाएगा, एंड नेचुरली आपके फंडिंग वॉलेट में जो भी कॉइन रहेगा यू कैन सेल एनी टाइम, और वहां पे जो हमारा 10% विद्रॉल चार्ज रहता है उस तरीके से आप वहां पे सेल कर सकते हैं, एंड उस तरीके से आप जो है वहां पे बेनिफिट्स ले सकते हैं, राइट? ये आपका पहला हो गया, राइट? MH आकाश, MH आकाश बोल के कोई है, शायद आप कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप वीडियो को ऑफ कर दीजिए और मीटिंग को लीजिए, राइट? ओके, सो जो मैं बोल रहा था, आपका स्पॉट वॉलेट में जो भी कॉइन है वो कॉइन आपके पूरा के पूरा फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा, एंड वहां पे जैसे नॉर्मली 10% विद्रॉल चार्ज के साथ आप वहां पे एनी टाइम सेल कर सकते हैं। ओके, तीसरा अपडेट, लिखते रहिए या फिर समझते रहिए ताकि टेक्निकल मीटिंग में आपको बार बार बताने की जरूरत ना पड़े, राइट? तीसरा अपडेट, जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं या फिर जो भी लीडर्स काम कर रहे हैं, तो हमारे हेक्स कॉइन के अंदर क्या क्या अर्निंग अपॉर्चुनिटी था? एक तो हम ट्रेड कर सकते हैं एनी टाइम बाय एंड सेल, दूसरा हम स्टेक कर सकते हैं, तीसरा हम 10 लेवल तक का रेफरल इनकम ले सकते हैं, और चौथा हम यहां से मंथली रिवॉर्ड ले पा रहे थे, राइट? अभी लेवल और मंथली रिवॉर्ड दिसंबर 1 तारीख से लेवल और मंथली रिवॉर्ड आपका स्टेकिंग में मैंडेटरी हो जा रहा है, यानी आपके टीम से कोई भी व्यक्ति हेक्स कॉइन को परचेस करेगा उनसे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा जब वो स्टेक करेंगे, तभी आपको लेवल से भी बेनिफिट मिलेगा और आपको रिवॉर्ड से भी बेनिफिट मिलेगा, राइट? क्योंकि हम करते क्या है, मैंने इससे पहले दिन भी एक चीज बोला है, कैप्टन अपने बारे में खेलेगा तो पूरा टीम नहीं जीतेगा। अगर मैं सिर्फ मेरे लीडर्स को ये बुद्धि दूंगा कि अरे लीडर से काम करते तुम अपना कॉइन अपने पास रख दो और लोगों का कॉइन स्टेकिंग कराते रहो ताकि कॉइन का प्राइस ऊपर चला जाए और तुम लोग कॉइन बेच के करोड़ों रुपए इनकम कर लो, राइट? तो वो चीज यहाँ पे नहीं चलेगा। रूल्स फॉर एवरीवन, बिकॉज हेलोक्स इकोसिस्टम के अंदर सभी लोगों के लिए सेम प्रायोरिटी दिया गया है, एंड फॉर दिस रीजन, राइट, फॉर दिस रीजन दिसंबर 1 तारीख से आपको अपने टीम से बेनिफिट लेना है, तो तभी आएगा
जब कोई भी व्यक्ति डिपॉजिट करके परचेस करेगा बेनिफिट्स नहीं आएगा, जब वो स्टेक करेगा तब आपको 10 लेवल तक का रेफरल अर्निंग भी मिलेगा और साथ में आपका रिवॉर्ड रैंक भी मिलेगा। एंड जस्ट फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ चॉइस फॉर स्टेकिंग मिनिमम फ्रॉम 1 मंथ टू 5 ईयर्स, राइट। 1 महीना स्टेकिंग से शुरुआत करके 1 साल का है, 1 साल के बाद 2 साल का है, 2 साल के बाद 5 साल का है। एंड यहां पे मैं और भी एक चीज क्लियर कर रहा हूं, जब आप किसी व्यक्ति को $10,000 इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं और उनको हर महीना में $800 से $850 फिक्स्ड आ सकता है, तो आपको हेडेक क्यों लेना है, आपको रिस्क क्यों लेना है, क्यों बोलना है कि आप $10,000 का कॉइन परचेस करके अपने पास रखो, ना आपका प्रॉफिट और साथ में आपका हेडेक भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग में अप्स एंड डाउन होता है। फिर आपको फोन करेगा, अरे डॉक्टर इमरान जी, अरे दिलवर जी, बहरल जी, आपने तो $8,000 मतलब $8 में मेरे को कॉइन परचेस कराया था भाई, आज तो $6 हो गया। तो ये हेडेक लेने का नहीं है, उनको सीधा ये समझा दो कि आप यहाँ पे $1,000 इन्वेस्ट करिए, या फिर जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप $5,000 इन्वेस्ट करिए फॉर 5 ईयर्स, यू विल गेट 100% इन अ ईयर। यानी आप $5,000 अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको हर एक साल में $5,000 करके वापस मिलेगा, और 5 साल बाद यू विल गेट ऑल्सो योर मेन कैपिटल यानी $5,000। सो इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट हेयर, सो यू कैन चॉइस अ टेबल फॉर 2 ईयर, फॉर 5 ईयर, राइट। अगर आप 5 साल के लिए चूज करते हैं, तो आपका $5,000 5 साल में लगभग $30,000 हो रहे हैं। सो आप लगा दो उनका $5,000 5 साल के लिए, अपना कोई लफड़ा नहीं, अपना कोई मतलब हेडेक नहीं, अपना कोई रिस्क नहीं, और अपना प्रॉफिट भी रहेगा, राइट। सो यहाँ पे हम लोग जो हैं, अगर प्रॉफिट का बात करें, जबकि ये ऑफिशियल मीटिंग है, लेकिन फिर भी अगर प्रॉफिट का बात करें, तो यहाँ पे मेरे को जो दिख रहा है वो है 2 साल और 5 साल, क्योंकि 2 साल में आपको लगभग सालाना 85% प्रॉफिट आ रहा है फिक्स्ड। नो, इट्स नॉट फिक्स्ड। क्यों बता रहा हूं इट्स नॉट फिक्स्ड? बिकॉज सिस्टम आपको डॉलर नहीं दे रहा है, सिस्टम आपको पैसा नहीं दे रहा है, आपको मानी नहीं दे रहा है, सिस्टम आपको जो डॉलर दे रहा है वो कन्वर्ट करने के लिए दे रहा है। इसलिए फॉर दिस रीजन कॉइन का प्राइस बढ़ेगा। तो जो व्यक्ति 2 साल के लिए स्टेक कर रहे हैं, हो सकता है उनको 7% के जगह में 14% भी प्रॉफिट हो सकता है, समझ गए, राइट। 14% का भी प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि दैट इज नॉट अ आरओआई प्लान, इट्स नॉट अ रोलिंग प्लान कि आप $5,000 दे रहे हैं, वो पैसा लेके सिस्टम कहीं पे ट्रेड कर रहे हैं या फिर रोलिंग चला रहे हैं। तब सिस्टम ये बोलता था, इफ यू इन्वेस्ट हेयर $10,000, यू विल गेट $800 एंड यू कैन विदड्रॉल ऑल्सो। आप वो $800 विदड्रॉल कर लो, तो ये फिर आरओआई प्लान बन जाता। फिर सिस्टम यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, इफ यू इन्वेस्ट $10,000, सो यू विल गेट $800 इन अ मंथ एंड यू कैन कन्वर्ट टू हेक्स एंड ऑल्सो अदर्स कॉइन इन अवर एक्सचेंज। नाउ यू हैव टू चॉइस, यू हैव टू राइट, यू कैन होल्ड इट, यू कैन सेल इट एनी टाइम। सो 7% का बात होगा ही नहीं, अगर यहाँ पे होल्ड हो गया तो कहानी बहुत लंबा हो जाएगा, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। सो आपका कोई हेडेक नहीं, कोई लपड़ा नहीं, कोई रिस्क नहीं, ओके। और आप दबा के अपना 10 लेवल का रेफरल इनकम ले लो, आप दबा के यहाँ पे $10 से $12,800 तक का रिवॉर्ड ले लो। लेकिन जो अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूं, जो नया इनकम यहाँ पे एडिंग हुआ है, वो इनकम जितने लोगों ने सुन चुका है अभी तक, कुछ हमारे कोर लीडर्स के साथ डिस्कशन हुई है, शायद आप लोगों ने हल्के से लिए होंगे, लेकिन जो इनकम अभी मैं बताने जा रहा हूं, जो इनकम यहाँ पे एडिंग किया गया है, ये चौंक देने वाला इनकम है। अगर मैं मेरा बात करूं, तो अब तक अगर मेरा इनकम यहाँ से $10,000 हो रहा था, तो मेरा इनकम सीधा यहाँ पे 20 से 30,000 डॉलर पर मंथ हो जाएगा। मैं मेरा बात कर रहा हूं, अब तक अगर मैं $10,000 अर्निंग कर रहा था, तो मेरा इनकम सीधा 20,000 से 30,000 डॉलर पर मंथ हो जाएगा। यानी आप जितना इनकम कर रहे हैं वो 2 गुना से 3 गुना हो जाएगा। क्यों, वो भी मैं आ रहा हूं, वो भी मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले जो अपडेट्स हुआ है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद अभी आप ये सोचेंगे, तो फिर लेबल इनकम लेने के लिए जो $50 का बिजनेस मेरे डायरेक्ट से देना पड़ रहा था,
तो मैं $50 का डिपॉजिट कर दूं तो हो जाएगा? नहीं मेरे दोस्त, आपके डायरेक्ट से $50 का डिपॉजिट एंड स्टेकिंग होना पड़ेगा 1 साल का मिनिमम, तभी जाके आपका लेवल इनकम चालू हो जाएगा। यानी जब डिपॉजिट का था तब डिपॉजिट का कंडीशन था, जब स्टेकिंग का हो गया तो वो स्टेकिंग का 1 साल के लिए है। यानी आप 10 लेवल से अगर लेवल इनकम लेना चाहते हैं, सो आप अपने $50 जो डिपॉजिट करके कॉइन बाई कर रहा था, और फिर उसको 2-3 दिन बाद हम फिर सेल भी कर रहे थे, इसलिए उधर से जावेद जी $8 लेके जा रहे हैं, इधर से हमारे रितेश जी $9 लेके जा रहे हैं, इधर से कोई $7 लेके जा रहा है, और हम फिर खींच के उसको $6 में लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सेल्फ टारगेट $400 है, $400 का माल डाल दिया, उसको परचेस कर लिया, फिर उसको 450 में बेच दिया। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम नीचे कर रहे थे बार बार। तो यहाँ पे अभी करना क्या पड़ेगा, आपके डायरेक्ट में जो भी टारगेट रहेगा वो स्टेकिंग का रहेगा, और वो मिनिमम 1 ईयर का रहेगा, वहां पे कोई भी आपका डिपॉजिट का नहीं रहेगा, क्योंकि डिपॉजिट का मामला खत्म, अभी स्टेकिंग का मामला चालू हो रहा है, राइट? क्योंकि बात ये है, पोजीशन नंबर 3 लेना है, और पोजीशन अगर नंबर 3 लेना है तो हमें इथेरियम के बाद लाइन में लगना पड़ेगा। बात ये है कि 2025 में अगर पोजीशन 3 लेना है तो हमें इथेरियम के बाद लाइन में लगना होगा, तभी जाके हम पोजीशन 3 में आ सकते हैं। यानी हेक्स क्वाइन का प्राइस मिनिमम $2,500 से $3,000 में जाना पड़ेगा, राइट? सो ये बात है। ओके, अभी इसके बाद जो हमारा नया अर्निंग यहाँ पे आ रहा है उसमें आपका आ, आ, जो कि है, तो ये तो आप लोगों का क्लियर हो गया कि रेफरल इनकम एंड रिवॉर्ड इट्स डिपेंड ऑन स्टेकिंग प्रोग्राम। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने दोस्त के लिए थोड़ा ज्यादा सोच लिया, क्या कर दिया, अरे मेरे दोस्त तुम $10,000 यहाँ पे लगा दो, $5,000 तुम स्टेक कर दो, और $5,000 तुम तुम्हारे पास रख दो, आमिर बन जाओगी तुम पूरा। आपने सही बोला, वो अमीर बन जाएगा लेकिन आप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो $10,000 का कॉइन परचेस करेगा, 5,000 आपका स्टेक में डाल देगा, 5,000 का कॉइन अपने पास रखेगा, कॉइन का प्राइस बढ़ेगा तो वो करोड़पति जल्दी बन जाएगा, लेकिन उनसे आपका कोई फायदा नहीं मिलेगा। समझ गए? सो स्टेकिंग प्रोग्राम में हमें फोकस करना है, और स्टेकिंग ही हमें करना पड़ेगा। दैट्स क्लियर? ओके, अभी तक हमारे सभी लीडर्स ये बोल रहे थे कि सर हमें अगर मंथली कोई फिक्स्ड इनकम आ जाए। मैं अभी तक आप लोगों को अगर क्या बताऊं, मार्केट के अंदर इतना रोलिंग और इतना आरओआई प्लान चला है, 8%, 7%, 6% में एक भी कंपनी टिका नहीं है, क्योंकि वो रोलिंग चला रहा था। लेकिन आज हेलो एक्स 2 साल बाद जो लॉन्च किया है, इसमें मैं इतना बता सकता हूँ, लीडर्स अगर एक छोटा सा बैग भी लेके जाएगा ना मीटिंग में, वो भी कम पड़ जाएगा, इतना पैसा अभी मार्केट से आने वाला है। क्योंकि काफी सारे लीडर्स मुझे कॉल कर रहे थे, बोल रहे थे सर अभी जो प्लान आ गया ना, अभी हमें बोरा लेके जाना पड़ेगा मार्केट के अंदर, पैसा इतना आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम और बहुत सारे कंपनी ने लोगों का विश्वास के साथ, विश्वासघातक किया है, भरोसा के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन हेलो एक्स के ऊपर लोगों का भरोसा इसलिए है क्योंकि ये सिस्टम लगातार 3 साल काम कर रहे हैं, और अगर आज ये सिस्टम महीना का 8 साल की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़ा काम होगा। अब्दुल वहाब जी, आप वीडियो ऑफ कर दीजिए, आप सिर्फ एक नॉर्मल एक्साइज गेंजी, मतलब एक नॉर्मल वो पहन के आप यहाँ पे आ गए, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, अगर टी शर्ट पहन के बैठ सकते हैं तो बैठे, नहीं तो वीडियो ऑफ कर दीजिए तुरंत, राइट? तो अभी जो मैं आप लोगों को और भी मतलब चीज बोल रहा था, तो ये सब चीजों में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये सब चीजों में हम लोगों को एकदम प्रॉपर एक्टिविटीज के साथ काम करना पड़ेगा। अभी अगर आप स्टेक करना चाहते हैं तो आप अभी से स्टेक कर लीजिए। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपका कॉइन फंडिंग वॉलेट में चला जाएगा, और फंडिंग में कोई भी स्टेकिंग प्रोग्राम नहीं रहेगा, राइट? और एक हकीकत मैं बता रहा हूं, हम जो सोचते हैं ना भाई मेरा 500 पीस कॉइन अगर फंडिंग वॉलेट में चला जाएगा तो जाने दो, उसको होल्ड करने दो, होल्ड करके रखते हैं, कॉइन का प्राइस बढ़ेगा तो मैं सेल करके निकाल लूंगा। कुदरत का ये खेल है कि आप बॉल को दीवार में जितना जोर से फेंकेंगे उतना ही जोर से, उतना ही तेजी से आपके तरफ वो बॉल वापस आती है। उसी तरीके से आप जैसा सोचेंगे, जैसा करेंगे, आपके साथ वैसा ही होगा। अगर आपने ये सोचा मैं स्टेक नहीं करूंगा, मेरा टीम करेगा, मैं बता रहा हूं आपके टीम के लीडर भी नहीं करेगा। ये कुदरत का खेल है। मैंने मेरे 9 साल के नेटवर्क मार्केटिंग के मतलब स्ट्रेटजी में मैंने ये देख चुका है।
जो हम करते हैं वही हमारा टीम करते हैं, चाहे भले ही हम उनको कितना भी मोटिवेट करें, राइट। ये चीजें हमें करना पड़ेगा। अभी जो न्यू अर्निंग का मैं बात कर रहा हूं, जो हमारा फिफ्थ इनकम यहां पे एडिंग हुआ है, दैट इज टीम स्टेकिंग एपीआर, टीम स्टेकिंग एपीआर, ये इनकम क्या है। बात ये है कि आपने एक व्यक्ति को $10,000, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, आप एक व्यक्ति को $10,000 5 साल के लिए उनको आपने क्या कर दिया, स्टेकिंग में लगा दिया, तो उनसे आपको बेनिफिट्स कितना बार मिलेगा, वन टाइम। आपने एक व्यक्ति को $10,000 इन्वेस्टमेंट करा दिया और वो भाई साहब ने क्या किया, $10,000 को स्टेक कर दिया, तो उनसे आपको वन टाइम बेनिफिट मिलेगा, एक ही बार लेवल मिलेगा, एक ही बार रिवॉर्ड मिलेगा। क्या आप उनसे, अगर वो व्यक्ति 5 साल के लिए इनकम कर रहे हैं, तो क्या आप भी उनसे 5 साल के लिए इनकम करना चाहते हैं, प्लीज रेज योर हैंड। अगर वो व्यक्ति 5 साल इनकम ले रहा, मतलब ले रहा है, तो क्या आप भी उनसे 5 साल इनकम करना चाहते हैं। ओहो भाई साहब, हाँ अब आया मजा, है नहीं जी। कितना बड़ा अर्निंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप लोगों के लिए रखा गया, एक बार सोचिए। सिस्टम ये बता रहे हैं कि अगर आप एक व्यक्ति को 1 साल के लिए स्टेकिंग करा रहे हैं, तो उनको भी अगले 1 साल स्टेकिंग से इनकम आएगा, और साथ में आपने कराया तो आपको भी अगले 1 साल स्टेकिंग से इनकम आएगा। लो जी लो, अगर आपने किसी को 2 साल के लिए स्टेक कराया, उनको भी 2 साल तक स्टेकिंग का इनकम पर डे आएगा, और उनसे आपको भी पर डे स्टेकिंग का इनकम मिलेगा। तीसरा, अगर आप किसी व्यक्ति को 5 साल के लिए स्टेक करा दिया, अगर उनको डेली इनकम आ रहा है 5 साल तक मिलेगा, तो उनसे आपको भी 5 साल तक डेली अर्निंग आता रहेगा। मजा आ गया ना अभी। हाँ अभी इसके अंदर मैं कंक्लूजन निकल रहा हूं, ये कितना लेवल तक आएगा, कितना लेवल तक, ज्यादा नहीं दे पाया। इमरान जी बोल रहे हैं 5 लेवल तक दे दो, 5 लेवल तक पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा 5 साल तो मिलेगा, अगर समझ लीजिए, अच्छा 5 5, माय गॉड, हाँ ऐसा बात है जी। 10 लेवल तक जेनरेशन वाइज आपके टीम से 10 लेवल तक जो भी व्यक्ति जितने साल के लिए स्टेक करेगा, उनको भी उतना दिनों तक डेली इनकम आएगा, आपको भी उतना दिनों तक डेली इनकम आएगा। समझ रहे हैं, अब तो लीडर लोग स्टेक ही स्टेक करेगा, स्टेक के अलावा कुछ नहीं सोचेगा। अभी मैं एक एक पॉइंट बताते हुए जा रहा हूं कि आपको कितना परसेंटेज में देगा, वो मैं बताते हुए जा रहा हूं। पहला बात, ये जो टीम स्टेकिंग एपीआर चालू हो रहा है, ये आपका पहला तो आप क्लियर हो जाइए, ये 10 लेवल तक का मिलेगा। 10 लेवल तक का, अगर आपके टीम से 10 लेवल तक का कोई भी व्यक्ति 1 साल के लिए स्टेक करता है, तो वहां पे डिसबर्समेंट है आपका 10%, 10% एपीआर के हिसाब से। और अगर आपके एंटर 10 लेवल के टीम से 2 साल के लिए जितना स्टेक होगा, वहां पे 20% डिसबर्समेंट है पूरे 10 लेवल। और 5 साल के लिए जो भी आपका, 5 साल के लिए जो भी आपका स्टेक करेगा, वहां पे 40% आपको एपीआर के हिसाब से मिलेगा, राइट। अभी कैलकुलेट करते रहिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इस महीना में आपका फर्स्ट लेवल में, एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपका फर्स्ट लेवल में $50,000 का बिजनेस हुआ, और ये $50,000 जितने लोगों ने परचेस किया था, ये सभी लोगों ने 5 साल के लिए स्टेक कर दिया, तो ये $50,000 के ऊपर से आपको अगले 5 साल तक इनकम आता रहेगा। नेक्स्ट महीना में फिर से आपका $50,000 का न्यू बिजनेस आया, तो आपको ये $50,000 से भी 5 साल तक आता रहेगा, और पिछले वाला 50, यानी 1 करोड़ से आपको इनकम आ रहा है अगले 5 साल तक। नेक्स्ट महीना में आपका बिजनेस कम हो गया और $20,000 का बिजनेस हो गया, तो थर्ड महीना में जाके आपको 1 करोड़ 20 हजार के बिजनेस के ऊपर से डेली इनकम आ रहा है, क्योंकि वो जो फर्स्ट मंथ में आपने किया था वो भी तो 5 साल के लिए मिलेगा।
सेकेंड मंथ में जो हुआ है वो भी तो 5 साल के लिए, अगर वो 5 साल के लिए किया है तो। थर्ड मंथ में तो इनकम अगर एक्यूमुलेशन होगा तो ले लो ना भाई महीना में $10,000, कर लो ना इनकम, कर लो 10 लाख इनकम पर मंथ, कर लो 5,000 इनकम पर मंथ, $5,000, $10,000 कितना करना है। और इसके बाद अगर कोई व्यक्ति इनकम हेलो एक सिस्टम से नहीं कर पाता है तो मैं उनका भविष्यवाणी कर सकता हूं। वैसे तो मैं ज्योतिष नहीं हूं, वैसे तो मैं ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन अगर इसके बाद भी अगर हेलो एक सिस्टम से कोई अगर इनकम नहीं कर सकता है $2,000, $4,000, $5,000, तो उनसे इस जिंदगी में उनसे और अमीर बनने का कोई मौका ऊपर वाला देगा नहीं, और उनके लिए कोई भी और ऑप्शन रहेगा नहीं, और उनसे कुछ हो भी नहीं पाएगा। क्योंकि मैंने एक व्यक्ति को 1 साल के लिए कर दिया बिना मेहनत, मुझे भी अगले 1 साल तक एपीआर मिल रहे हैं, यू कैन इमेजिन इट। और 10 लेवल से तो भाई $1,00,000 का बिजनेस आ सकता है, सोचो तो सही एक बार। अभी किस लेवल में कितना परसेंटेज हो एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, और हमारा जो नया पीडीएफ लॉन्च हो रहा है उसमें वो रहेगा। जो भी व्यक्ति 1 साल के लिए स्टेक करेगा, जो भी व्यक्ति 1 साल के लिए स्टेक करेगा, फर्स्ट लेवल में 2% एपीआर लिखते रहिए, सेकेंड लेवल में 1% एपीआर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट्थ, एट्थ लेवल तक आपका 1-1-1% करके एपीआर में रहेगा, और नाइन्थ लेवल में 0.50 और टेंथ लेवल में 0.50, राइट। उसको डिवाइडेड आपको 365 कर लेना है। आपको शायद ये दिखेगा कि मेरे को डेली 0.002 मिल रहे हैं, लेकिन एक चीज वो बोलते हैं ना कि एक बूंद पानी अगर पत्ता से, अगर समझ लीजिए अगर पत्थर के ऊपर अगर टपकता है तो एक दिन वो पत्थर को भी तोड़ देता है, इतना ताकत हो जाता है। उसी तरीके से जैसे समझ लीजिए ये जो एयर ड्रॉप, ये मतलब एयरपॉड से, इसका वेट अगर 20 ग्राम है तो मैंने अभी हाथ में रखा है तो ये 20 ग्राम लगेगा, लेकिन मैं अगर ये 5 घंटा तक रखूंगा ना तो ये 20 ग्राम नहीं, ये 200 किलो हो जाएगा। तो 0.002 या फिर 0.001 मत देखिए, जब एक्यूमुलेशन करेंगे तो तब आपके पास करोड़ों रुपया आने वाला है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, 1 साल के लिए आपके टीम से जितना भी स्टेक होगा, फर्स्ट लेवल में 2% एपीआर, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, 1% करके एपीआर मिलेगा, और 9 और 10 लेवल में आपको 0.50 करके एपीआर मिलेगा। आपके पूरे टीम में 2 साल के लिए जो भी व्यक्ति स्टेकिंग करेंगे तो आपको अगले 2 साल तक फर्स्ट लेवल में 4% एपीआर, सेकेंड लेवल में 2% एपीआर, थर्ड लेवल में 2%, फोर्थ लेवल में 2%, फिफ्थ सिक्स सेवन एट 2-2-2 करके मिलेगा, और 9 और 10 1% 1% करके एपीआर में मिलेगा। ओके, यानी आपके फर्स्ट लेवल में कोई, आपके फर्स्ट लेवल से $10,000 का बिजनेस हुआ और वो 2 साल के लिए स्टेक हुआ, तो वो $10,000 के ऊपर आपको कितना एपीआर में मिलेगा? 4%। सो 4 डिवाइडेड 365 कर लीजिए, जितना परसेंटेज हो रहा है उतना आपको $10,000 से ऊपर से डेली आएगा। दैट्स क्लियर। 5 ईयर्स के लिए आपके वहां पे जो भी स्टेक हो रहे हैं, 5 ईयर्स के लिए आपके फर्स्ट लेवल में 8% एपीआर, यानी आपके फर्स्ट लेवल से $10,000 का हुआ तो $10,000 का 8% वो आपको मिलेगा। 365 डिवाइडेड 8 कर लीजिए, वहीं से आपको मिल जाएगा कि डेली कितना परसेंटेज आपको मिल रहे हैं। और सेकेंड लेवल से आपको 8 लेवल तक 4% एपीआर, और 9 और 10 लेवल आपको 2-2% करके एपीआर मिलेगा, राइट। लेकिन टीम स्टेक एपीआर लेने के लिए आपके सेल्फ और डायरेक्ट में एक छोटा सा कंडीशन रहेगा, वो कंडीशंस अभी जैसे हमारे ऊपर से फाइनलाइज्ड होके आएगा तब आप लोगों को बताया जाएगा। कंडीशंस क्यों चाहिए? क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं। कुछ लोग होते हैं ना मंकी लीडर, मंकी हनुमान क्या करते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग लगाते हैं, फिर दूसरे पेड़ में छलांग लगाते हैं, नहीं
उस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मंकी लीडर होते हैं, जो 6 महीना इधर, 4 महीना उधर, 5 महीना उधर, 10 महीना उधर, इस तरीके से वो इधर उधर भागते रहते हैं। तो समझ लीजिए, एक मंकी लीडर का एग्जाम्पल ले रहा हूं, जो यहाँ पे 6 महीना दबा के काम किया, और 6 महीना में भाई साहब ने क्या किया, 50 करोड़ का बिजनेस दे दिया, और वो 50 करोड़ का बिजनेस 5 साल के लिए उन्होंने स्टेक कर दिया, और उनको हर महीना में 5 लाख इनकम आ रहा था। अभी वो मंकी लीडर क्या कर दिया, उसने किसी दूसरे सिस्टम में पैसा के लालच में सपोज टू भी चला गया, और उनको यहां से भी 5 लाख आ रहे हैं, उधर वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मंथली कोई ना कोई कंडीशंस रहेगा आपको इतना बड़ा अर्निंग लेने के लिए, राइट? वो आपका सेल्फ स्टेकिंग में भी रहेगा और साथ में आपका डायरेक्ट से भी रहेगा। तो डायरेक्ट तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, डायरेक्ट तो हम वैसे ही बिजनेस लेके आते हैं, उसमें तो कोई बात है ही नहीं, राइट? लेकिन आपका सेल्फ स्टेकिंग भी रहेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं, आपके पास अगर कॉइन है तो आप स्टेक कर लीजिए, क्योंकि ये जो टीम स्टेकिंग एपीआर है ये ऑलरेडी चालू हो चुका है, आपका अर्निंग नेक्स्ट महीना के 1 तारीख से आना शुरुआत हो जाएगा, राइट? इसलिए आप स्टेकिंग को करना चालू कर दीजिए, क्योंकि आप स्टेक नहीं करेंगे आपका कॉइन फंडिंग में जाएगा, उधर से आप स्टेक नहीं कर पाएंगे, फिर आपको वहां पे सेल करना पड़ेगा, फिर वहां से आपको विद्रॉल लेना पड़ेगा, 10% देना पड़ेगा, फिर स्पॉट में डिपॉजिट करके कॉइन खरीद के फिर आपको स्टेक करना पड़ेगा कंडीशंस को अचीव करने के लिए, राइट? इसीलिए फंडिंग वॉलेट में आपका कॉइन 1 तारीख में जाने से पहले जो कॉइन आपका स्पॉट वॉलेट में है आप उसको जरूर स्टेक करिए, ताकि आपका कंडीशंस को क्लियर हो जाए। और ये अर्निंग के साथ साथ आप लोगों के लिए, जैसे ये अर्निंग हो जाएगा, ये अर्निंग के साथ साथ हमारे वर्ल्ड वाइड लीडर्स के साथ मिलने के लिए सिस्टम अनाउंसमेंट करने जा रहा है, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप आप सभी लोगों के लिए मतलब अनाउंसमेंट हो जाएगा दिसंबर 5 तारीख से पहले। दिसंबर महीना में आप सभी लीडर्स के लिए इंटरनेशनल ट्रिप यहाँ पे जो है अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, और उससे पहले ये जो टीम स्टेकिंग एपीआर है वो चालू हो जाएगा, हमारे पास नया पीडीएफ भी आ जाएगा। तो अभी से आपके पास कितना अर्निंग अपॉर्चुनिटी है एक बार आप थोड़ा सा यहाँ पे फॉलो करिए। पहला, 10 लेवल तक आप रेफरल इनकम यहाँ से ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे आप स्टेकिंग इनकम मतलब स्टेकिंग इनकम ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे आप मंथली रिवॉर्ड ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे आप टीम स्टेकिंग एपीआर ले रहे हैं। 4 इनकम आप लोगों के लिए लागू हो चुका है फ्रॉम टुडे, राइट? एंड ये मुझे लगता है मंथली रिवॉर्ड से, लेवल से सबसे खतरनाक इनकम ये है, क्योंकि आप अगर 1 करोड़ का बिजनेस करेंगे तो मुझे एक ही बार रिवॉर्ड में काउंटिंग होगा, एक ही बार मुझे लेवल में काउंटिंग होगा, पर वो 1 करोड़ का बिजनेस अगर 2 साल के लिए स्टेक होगा तो वो 1 करोड़ का बिजनेस, वन टाइम बिजनेस मेरे को अगले 2 साल तक प्रॉफिट देने वाला है। एक ही बार 1 करोड़ का बिजनेस अगले 2 साल तक, अगले 5 साल तक मेरे को प्रॉफिट देने वाला है, और वो भी डेली के हिसाब से, राइट? ओके, सो दैट वॉज द अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी वन, एंड दैट वॉज द गुड न्यूज फॉर एवरी वन, दैट वॉज द एक्स्ट्रा अर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी वन। सो दबा के काम करिए। मैं आप लोगों को लास्ट एक कहानी सुना के आज का इस मीटिंग को समाप्त करूंगा। समझ लीजिए, हम जिंदगी भर मांगते रहे ऊपर वाले से, हे खुदा मुझे ये दे दीजिए, हे भगवान मुझे ये दे दीजिए, हे जीसस मुझे ये दे दीजिए, जो भी हम अपने अपने धर्म में हैं, हम ऊपर वाले से सिर्फ मांगते हैं, ये जोर नो, और वो भी हम मांगते हैं, दूसरा वो व्यक्ति नहीं मांगते हैं जिनके पास मतलब काम करके पैसा कमाने का ताकत ऊपर वाला नहीं दिया है। दुनिया में एक ही जीव है जो हम हैं, और सिर्फ हम ही लोग कमा सकते हैं, बाकी दूसरा कोई काम ना कर सकते और ना कमा सकते, बाकी सब जिंदा है, हम भी जिंदा है, लेकिन हमारा फिर भी चाहत बहुत ज्यादा होता है कि हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जी, टीम स्टेकिंग रिवॉर्ड स्टार्ट हो चुका है, बट इट्स कमिंग फ्रॉम आपका दिसंबर 1 तारीख से आपको आना शुरुआत होगा, पर आप स्टेकिंग करना शुरुआत कर सकते हो, वो आपका काउंटेबल है, काउंटिंग हो जाएगा, राइट? सो दैट वॉज द अनाउंसमेंट।
एंड आई होप कि आप सभी लोगों के पास क्लियर हो जाएगा. ओके ओके. अच्छा, लास्ट में मैं आप लोगों का चैटिंग नहीं लूंगा, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी के साथ रिलेट करके कहानी सुनाता हूं. तो हम वो जीव है जो हम कमा सकते हैं, और हमारा अगर जन्म हुआ है तो मौत भी निश्चित है, राइट? हम सबको एक दिन ना एक दिन जाना होगा. और हम जब भी मुसीबत में फंसते हैं तो हम ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं, ऊपर वाले से चाहते हैं मुझे घर दे दो, मुझे पैसा दे दो, अच्छा शानदार मतलब देखने में एक बीबी दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो. तो हम सब मर गए इस मीटिंग में, जितने भी हम हैं हम सब मर गए समझ लीजिए. और ऊपर में हमारा हिसाब होगा, हम अपने अपने धर्म में हम लोगों को बताया गया है कि आपका कर्म का हिसाब ऊपर में देना होगा. तो ऊपर में हम गए और एक लंबा लाइन लगा हुआ है, और वहां पे ऊपर वाला जिनको भी हम मानते हैं वो मेन चेयर में बैठे हैं विचार करने के लिए, और उनके साइड में दो असिस्टेंट बैठे, एक आपका हिसाब किताब कर रहे हैं कि इन्होंने 80 साल जिंदा रहा किया क्या क्या, और एक आपका हिसाब कर रहे हैं जो बाएं तरफ बैठे हैं, वो हिसाब कर रहे हैं कि इनके काम के मुताबिक इनका क्या आपका साझा होना चाहिए. तो समझ लीजिए, हम में से कोई एक व्यक्ति जिन्होंने हेलोइक्स का ये अपॉर्चुनिटी लेने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद भी काम किया नहीं है, ना करोड़पति बन पाया, ना लग्जरियस गाड़ी में बैठ पाई, ना अच्छा घर बना पाया, ना अमीर बन पाया, और उनका जब नंबर आया लाइन में तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला, आप जो भी साझा देंगे मंजूर है, लेकिन मेरा एक यहाँ पे ख्वाहिश है, मेरा एक बात है. तो बोला बताओ आपका क्या बात है, आप क्या बोलना चाहते हैं? बोला मैं जिंदगी भर रोता रहा आपके पास कि मुझे पैसा दे दो, मुझे मौका दे दो, मुझे घर दे दो, मुझे अमीर बना दो, मुझे सेलिब्रिटी बना दो, मुझे हर महीना में 10 लाख रुपया कमाने का मौका दो, मुझे 2-4 गाड़ी दे दो, आपने सबको दिया लेकिन मुझे क्यों नहीं दिया? बोला ये सवाल तो बहुत भयंकर सवाल है, आपने तो सही सवाल पूछा. बोला मैं जिंदगी भर आपसे मांगता रहा लेकिन आपने मुझे दिया ही नहीं, आपने मुझे नजरअंदाजा किया, नजरअंदाज किया. तो बोला अच्छा ऐसा बात है. तो वहां पे एक बहुत बड़ा डिस्प्ले लगा हुआ था, ये कहानी मैंने इससे पहले भी एक बार सुनाया कुछ लोगों को. वहां पे एक बहुत बड़ा डिस्प्ले लगा हुआ, तो राइट राइट साइड में जो कर्म का देखभाल कर रहा था कि इसने किया क्या क्या है पूरे जीवन में, उसको बोला है राइट असिस्टेंट डिस्प्ले चलाओ, एलईडी को ऑन करो, और हम में से जो भी सवाल किया है हमको बोला उस तरफ घूम जाओ, एलईडी के तरफ, तुम्हारा विचार बाद में होगा, पहले एलईडी देख लो. तो एलईडी में एक वीडियो ऑन कर दिया, और वीडियो में पहले उन्होंने किसको दिखा दिया, पहले उन्होंने वीडियो में दिखा दिया बिल गेट्स को. तो बोला अरे ये तो बिल गेट्स है, ये तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति था, इनके घर में तो ऐसा ऐसा फोटो फ्रेम लगा हुआ था जो रिमोट से हर दिन चेंज होता था, ये तो करोड़ों का मालिक है, दुनिया घूमा, जैसा गाड़ी जैसा घर जो चाहा सब कुछ लिया, इनसे मेरा क्या मतलब है, मैं तो जिंदगी भर मांगता रहा आपने मुझे क्या दिया? बोला नेक्स्ट चलाओ. तो नेक्स्ट चलाया, बोला ये कौन है? बोला ये तो एलोन मास्क है, ये तो दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है, इन्होंने तो सैटेलाइट बनाया, इन्होंने तो ये बनाया, इन्होंने तो बिटकॉइन से इतना कमाया, इन्होंने ये किया वो किया, इनको दिखा के क्या मतलब, इन्होंने तो जिंदगी का हर ख्वाहिश पूरा किया, आपने तो मेरे को एक भी ख्वाहिश पूरा नहीं करवाया. बोला फिर से एलईडी चलाओ. एलईडी चलाया तो बोला ये कौन है? बोला ये तो शाहरुख खान है. फिर से एक कहानी, बोला अरे ये तो सेलिब्रिटी है, जहां पे जाते थे लोग इनके पीछे भागते थे. बोला फिर से चलाओ, ये कौन है? बोला ये तो सलमान खान है. इस तरीके से दुनिया का बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी को दिखाने लगा, और आखिर हम गुस्से हो गए, और गुस्से होके ऊपर वाला जिनको भी मानते हैं उनको मैंने बोला, या फिर हम में से कोई भी जो आज इस अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ा इसके बाद भी सो गया, अरे भाई हमसे क्या होगा, राइट? बोला इतना बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी को दिखा के मेरा क्या फायदा, आपने मेरे जीवन में क्या परिवर्तन किया? तो बोला आखिरी वीडियो इनके लिए चला दो. तो आखिरी वीडियो चला दिया. बोला ये क्या है? बोला ये तो जूम मीटिंग चल रहा है. क्या बोला? बोला ये एलईडी में तो जूम मीटिंग चल रहे हैं. तो बोला इसको स्क्रॉल करो. बोला यहाँ पे कौन कौन है?
बोला अरे यहाँ पे तो डॉक्टर इमरान जी है, दिलवर हुसैन जी है, प्रदीप नस्कर जी है, क्योंकि सब यहाँ पे जैसे अभी नाम लिखाई दे रहे हैं ना उस तरीके से वहां पे नाम लिखाई दे रहे हैं। बोला ये जो 26-27 साल का लड़का बक 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 भाषण कर रहा है ये कौन है? बोला अरे ये तो संतु जी है, ये तो हेलोएक्स में काम करते थे, एक कॉइन के बारे में बातचीत कर रहा था, मैं भी उसमें जुड़ा हुआ था और हमें समझा रहा था कि अगर आपने 1 से 2 साल अगर मेहनत कर लिया, अगर थोड़ा सा काम कर लिया, रात दिन एक करके अगर फोकसली काम कर लिया तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं, वो इस दिन ये बोल रहा था। तो बोला आपने किया क्या? बोला नहीं मैं तो किया नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा था ये सब बकवास है। क्या बोला? बोला मुझे लग रहा था ये सब बकवास है, क्या हर महीने में मैं $10,000 कमा सकता हूं, मैं $20,000 कमा सकता हूं, मुझे तो लगा कि ये सब बकवास है। तो बोला आपने फिर उसके बाद क्या किया? बोला फिर मैं वो मीटिंग लेने के बाद फिर से मैं घर में सो गया था, मैं फिर से वो 20,000 सैलरी जो मैं ले रहा था नौकरी से, मैं उसी नौकरी में लग गया था, मेरा जो बिजनेस टूटा फूटा नहीं चल रहा था मैं उसी बिजनेस में लग गया था, और मेरा कोई भी बड़ा सपना नहीं था, और मैं जूम में आता था लेकिन मैं इधर से घुसा था और इधर से निकल देता। तो बोला आपके लिए मौका था कि नहीं था? बोला वो मुझे कैसे पता? तो बोला दूसरा वीडियो चला दो। अभी दूसरा वीडियो जब चला रहे हैं तो देख रहे हैं कि लंदन का ट्रिप हो रहे हैं और वहां पे संधू जी भी है, डॉक्टर इमरान जी भी है, बड़े बड़े हेलोएक्स का लीडर से। बोला ये लोग कौन है? बोला ये तो सब हेलोएक्स का लीडर से। बोला इनका घर दिखा दो। बोला अरे ये तो करोड़ों का आलीशान बंगलो बनाया ये लोगों ने। बोला गाड़ी दिखा दो। बोला अरे इन लोगों के पास तो दो दो चार चार गाड़ी है। तो बोला आपके पास भी हो सकता था, मौका मैंने दिया था। बोला हाँ। बोला पहला बात, आपको तो मैंने इंसान बना के भेजा, आपने कर्म करके नहीं आया, उसके लिए तो आपका साझा होना चाहिए था, और आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया तो इसके लिए आपका साझा डबल, तो इसका क्या साझा हो सकता है? तो इसका लाइन एकदम हाईएस्ट में लगा दो, और जिंदगी में इसका जो भी साझा यहाँ पे मिलेगा मिलेगा, लेकिन जिंदगी में इसको दोबारा धरती में इंसान के रूप में मत भेजो कभी, क्योंकि ये इंसान होने का लायक नहीं है, ये ना लायक है, ये धरती के लिए परफेक्ट नहीं है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? अभी आपको समझना होगा, आपको और मुझे धरती के लिए परफेक्ट होके, हमारा कर्म को सही करके, सफलता को हासिल करके, लोगों के लिए कुछ करके फिर से वापस आना है, आमिर बनना है, सेलिब्रिटी के जैसा लाइफस्टाइल जीना है, हमें कुछ करके दिखाना है, या फिर सोते रहना है और 10,000 सैलरी में लगना है, या फिर टूटा फूटा बिजनेस में डेली बैठना है और 10,000, 20,000, 50,000 हर महीना में कमाना है, और अपने बीबी और बच्चे और माँ बाप को झूठ बोलते रहना है कि अगले ईद में तुम्हें अच्छे शॉपिंग मॉल से शॉपिंग कराऊंगा, अगले पूजा में तुम्हें अच्छे शॉपिंग मॉल से शॉपिंग कराऊंगा, इस बार फुटपाथ से जो भी लेके आया हूँ ये ले लो। अगर ऐसा जिंदगी हम नहीं चाहते हैं, सो मेरे दोस्त, मैं इसलिए इतना बड़ा कहानी आप लोगों को सुनाया, क्योंकि ये जो इनकम आप लोगों को दिया गया है, अगर पूरे साल में एक बार आप आंख बंद करके सोच लो, अगर पूरे साल में आप 50 करोड़ का बिजनेस करते हो, तो वो अगले 5 साल के लिए आपको कितना करोड़ का मालिक बना सकता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि जिंदगी मौका कम और धोखा ज्यादा देती है, इसलिए आज मौका मिला है तो मौका में हमें चौका भी मारना है और छक्का भी मारना है। राइट, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और ज्यादा लंबा इस मीटिंग को नहीं खींचेंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है, घर में सोते रहना है या फिर मार्केट में निकलता रहना है, क्योंकि दूसरा बहुत सारे जीव खाते हैं और सोते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, हमें बुरा लगेगा, हम इंसान है, हम भी खाएंगे और सोएंगे, सपना नहीं देखेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो उनमें और हम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो लास्ट 5 मिनट्स ओनली फॉर योर क्वेश्चंस, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस आप मतलब आप मुझे डायरेक्टली टैग करिए, और डायरेक्टली टैग करके आप चैट बॉक्स में आपका सवाल छोड़ दीजिए, मैं 5 मिनट के अंदर जो भी सवाल ले सकता हूँ उसका जवाब देता रहूंगा। नहीं, फंडिंग वॉलेट से 50% का कोई मामला नहीं रहेगा, वो दिसंबर 1 तारीख से स्पॉट वॉलेट के जैसा बन जाएगा। अच्छा, स्पॉट वॉलेट से मिनिमम कितना कॉइन स्टेकिंग करना पड़ेगा? मिनिमम 2 कॉइन आपको स्टेकिंग करना पड़ेगा, मिनिमम 2 कॉइन आपको स्टेकिंग करना है। ओके, आपको स्टेकिंग इनकम से जो भी इनकम आपको पर डे मिलेगा, उसके लिए अलग से वॉलेट वहां पे ऑलरेडी बनाया गया है,
उसी कॉन्वर्ट वॉलेट में आप जो है यूएसडीटी को क्वाइन के अंदर जो है आप कॉन्वर्ट कर पाएंगे यूएसडीटी को। सर एज यू सेड फ्रॉम टुमोरो एचएक्सी टू हेक्स कन्वर्सेशन अमाउंट विल बी डिपॉजिट इन फंडिंग वॉलेट, सो व्हेन आई परचेज हेक्स फ्रॉम दैट वॉलेट विल आई नॉट बी एबल टू स्टेक इट। क्या बोला है? एक्स क्वाइन कन्वर्सेशन अमाउंट विल बी डिपॉजिट इन फंडिंग वॉलेट। नहीं, डिपॉजिट आप करेंगे तो आपका तो समझ लीजिए वो स्पॉट या फिर मेन वॉलेट में ही आएगा, वो तो आपका फंडिंग वॉलेट में नहीं जाएगा कि आपका कॉइन फंडिंग में चला जाएगा। डिपॉजिट करेंगे तो आपका कॉइन वो स्पॉट वॉलेट में ही आएगा, डिपॉजिट करेंगे स्पॉट वॉलेट में आएगा, परचेस करेंगे तो आपका कॉइन स्पॉट वॉलेट में ही आएगा। स्टेकिंग के बाद रिवॉर्ड जब कॉइन अनस्टेक होगा किस वॉलेट में आएगा वापस? सर जब स्टेकिंग के बाद आपका कॉइन आपके पास वापस आएगा तो आपने जिस वॉलेट से कॉइन को स्टेक किया उसी वॉलेट में आपका कॉइन वापस आएगा आफ्टर आफ्टर कंप्लीट योर स्टेकिंग प्रोग्राम। आपका स्टेक 5 साल कंप्लीट हो जाने के बाद आप जिस वॉलेट से किया उसी वॉलेट में वापस आएगा, चाहे स्पॉट में आए फंडिंग में आए डजेंट मैटर, क्योंकि हमारे यहाँ पे 50% कटने वाला चीज पूरे सिस्टम से खत्म हो चुका है, यानी एक तारीख से पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, एक लीडर्स ने हमारे पूछा है कि सर अपग्रेड में जो हेलो एक्स, सर देखिए हेलो एक्स डॉट लाइव का जो भी सॉर्ट आउट है उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, आफ्टर कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस। ओके, सेल्फ और डायरेक्ट का हर महीना में ही आपका कंडीशंस रहेगा। अगर आप हर महीना में किसी व्यक्ति से इनकम ले रहे हैं तो आपको तभी वो इनकम मिलना चाहिए जब आप एक्टिव मेंबर हैं। तो अगर आप हर महीना में लेना चाह रहे हैं तो आपको हर महीना में ही उस टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको अचीव करना पड़ेगा। अच्छा, हमारे एक लीडर्स ने यहाँ पे लिखा है मैं बिल्कुल न्यू, आज कुछ नहीं आता, आपको जिन्होंने इस मीटिंग में इनवाइट किया है उनके साथ या फिर उनके ऊपर जो टॉप लीडर्स होंगे उनके साथ आप आराम से बैठ जाइए या फिर फोन में बात कर लीजिए और सारा चीजों को क्लियर कर लीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा, अगर जिंदगी में बड़ा सपना है, बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो आज आप एक सही अपॉर्चुनिटी में आए हैं, क्योंकि हेलो एक्स आपका हर एक सपना को पूरा करने में सहम है। कन्वर्ट करने के बाद कौन सा वॉलेट में आएगा? ओके, कन्वर्ट आप जो भी कन्वर्ट करेंगे, चाहे आपने हेक्स मतलब एचएक्सी को कन्वर्ट किया है हेक्स में, वो डॉलर भी आपका फंडिंग वॉलेट में आएगा, और वो कन्वर्ट भी आई मीन वो डॉलर को आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका कॉइन फंडिंग वॉलेट में ही आएगा, और जो टीम से आपको स्टेकिंग एपीआर मिलेगा वो भी आपका फंडिंग वॉलेट में ही जाएगा। स्पॉट में ओनली फॉर डिपॉजिट एंड बाइंग का कॉइन रहेगा। आलम अली जी लिखा है सर हम क्या करें, मैं समझा नहीं है, मतलब आपका अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ और अगर आपको सॉल्यूशन डिस्कशन करना है तो आप मुझे दोबारा मैसेज करिए, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है सर हमें क्या हम क्या करें, मेरे को समझ में नहीं आया, आप और एक बार वो करिए। एक्सचेंज लॉन्च कब तक एक्सपेक्टेड है? एक्सचेंज लॉन्च एक्सपेक्टेड बहुत जल्दी है, आप लोगों को बताए कि क्रिप्टो के अंदर बहुत सारा चेंजेस आया है, एंड फॉर दिस रीजन जो एक्सचेंज हमारा बन रहा था उसी के अंदर भी काफी सारे चेंजेस, काफी सारे आपका एल्गोरियम को चेंज करना पड़ रहा है, एंड फॉर दिस रीजन वो अभी थोड़ा सा आने में टाइम लगेगा। ओके ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई एम जॉय, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए हर महीने में 50,000 रुपया इनकम करने के लिए एक व्यक्ति को कितना मेहनत करना पड़ता है उनको जाके पूछ लीजिए जो नौकरी करते हैं, और आपको यहाँ पे $500 अगर अर्निंग करना है हर महीना में उतना भी ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। इसलिए हेलो एक्स का टी शर्ट लगाइए, दो चार ब्लेजर बना लीजिए, खुद को एक लीडर बनाइए, राइट, खुद को एक लीडर बनाइए और प्रोफेशनल तरीके से काम करिए, और अपने टीम के सामने अपना जो व्यू है अपना जो वैल्यू है वो बनाइए, राइट, एक लीडर बनिए, प्रॉपर लीडर बनिए और बहुत बढ़िया काम करिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। लास्ट एक क्वेश्चन आया है,
मैं वो लिंग मतलब लूंगा एंड उसके बाद ये मैं वो करूंगा। अगर स्टेकिंग का कन्वर्ट कॉइन फंडिंग में आएगा तो फिर कैसे रिस्क टेकिंग करे फंडिंग का, तो आप स्टेकिंग नहीं होगा। सर स्टेकिंग करना अगर आप चाहते हैं तो आपको कॉइन खरीद के स्टेकिंग करना पड़ेगा। एचएक्सी के जैसा गलती और सिस्टम दोबारा यहाँ पे नहीं करेगा कि आपने कॉइन को स्टेक किया, फिर उसी कॉइन को रिस्टेक किया, फिर रिस्टेक किया, फिर रिस्टेक किया, वो ऑप्शन नहीं रहेगा। आपका कॉइन अगर स्टेक करके बेनिफिट लेना है तो आपको स्पॉट से ही वो करना पड़ेगा। अगर स्पॉट में आएगा वो कॉइन वापस तो फिर से आप क्या कर सकते हैं, रिस्टेक कर सकते हैं। अगर फंडिंग में जाएगा तो आपको सेल करना पड़ेगा तब, राइट? ओके, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट तो नहीं बोलूंगा क्योंकि काफी रात तक आप लोगों के साथ बात होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, 2024 जा रहे हैं, 2025 आ रहे हैं, 2025 में हमें किराए के घर में रहना नहीं है, ईएमआई के चक्कर में पड़ना नहीं है, और ऐसे ही जिंदगी चलने दो, ये बात हमारे मुंह से निकलना नहीं है। और साइकिल या फिर टू व्हीलर में हर प्रोग्राम में जाना नहीं है, हमारे पास गाड़ी होना चाहिए, घर होना चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल यहाँ से मेंटेन करिए और अच्छे से काम करिए। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा, अगर 1 लाख रुपया हर महीने में कमा रहे हैं तो आपको देख के वो समझ में भी आना चाहिए कि आप एक लीडर है और आप यहाँ से 1 लाख रुपया हर महीने में कमा रहे हैं, वो मेंटेनेंस भी आपको करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टेक केयर।